माना जाता है कि दादा दादी के आखिरी वक्त के दोस्त उनके पोता पोती होते हैं। अपने पोते पोतियों में ही दादा दादी की जान बसती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपकी रूह कपा कर रख देगा। यहाँ पर एक लड़की रिंका चौहान नाम की, जिसने दादा और पोती के रिश्तों को शर्मसार कर दिया, बदनाम कर दिया और रच डाली अपने ही दादा की हत्या की प्लानिंग। दरअसल रिंका चौहान ने साजिश रचकर अपने ही 78 साल के बुजुर्ग दादा की जिंदगी ले ली। रिंका चौहान ने अपने दादा की मौत की साजिश कुछ इस तरीके से रची कि अब पुलिस भी मामले के खुलासे से सन्न है। बता दे कि सिर्फ और सिर्फ दादा की संपत्ति के लालच में साजिश रची गई और सहारा दिया इस लड़की को सलमान और अखिलेश ने। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, उसके जरिए आपको समझा देते हैं। थाना मनकापुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के भरऊ भट्टा नाम के गांव में एक 78 वर्षीय बुजुर्ग की किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस और उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इस प्रकरण के संबंध में जो मृतक हैं उनके पौत्र वधू के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें थाना मनकापुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। मेरे द्वारा इस घटना के अनावरण हेतु एसपी पूर्वी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना मनकापुर पुलिस द्वारा इसमें 3 शातिर हत्याभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। इस घटना के संबंध में जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो जो इसमें आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड इस पूरी घटना की जो मृतक हैं उनकी सगी पौत्री, जिसका नाम रिंका चौहान है, वो निकल कर आई है। और पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इस घटना में इसने 2 अभियुक्तों सलमान और अखिलेश उपाध्याय, इन दोनों का साथ लिया जिनके द्वारा घटना कारित की गई, और एक अन्य सहयोगी दिनेश है जिसने इनका साथ दिया। तो इस प्रकार कुल 4 अभियुक्त इसमें शामिल रहे। 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है, जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। पूछताछ में जो मुख्य अभियुक्त है रिंका चौहान, उसके द्वारा बताया गया कि इसके दादा की काफी संपत्ति है, कई बीघे जमीनें हैं, और रिंका चौहान के 4 भाई और 1 और बहन है। इसका ऐसा कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व तक ये अपने बाबा के घर में उनके साथ रहती थी, लेकिन जब से उसकी दादी की मृत्यु हुई इसके दादा से इसके संबंध बिगड़ गए। वो अक्सर इसको कड़े शब्द बोलते थे, गाली वगैरह देते थे, उसको घर से निकाल दिया और धीरे धीरे करके अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने 1 पोते के वाइफ के नाम इन्होंने कर दिया था। और ऐसा इसका कहना है आरोपी का कि और भी संपत्ति वो देने के फिराक में थे कि और भी संपत्ति, क्योंकि वही पौत्र वधु इनकी सेवा पिछले कुछ वर्ष से कर रही थी और इस मुकदमे में वही वादिनी मुकदमा भी है। तो इसे ऐसा अंदेशा था कि धीरे धीरे और भी संपत्ति, वो अगर जिंदा रहे तो सभी संपत्ति जो है 1 पुत्र वधु पौत्र वधु के सरस्वती के नाम ये कर देंगे, तो इनको रास्ते से हटाना है। इसने पूरी योजनाबद्ध तरीके से इसकी प्लानिंग की। सलमान और अखिलेश को इसने कुछ रुपयों का लालच देके इसके लिए तैयार किया कि तुम्हें ये घटना करनी है, ये बहुत गरीब मजदूर किस्म के व्यक्ति हैं। और योजनाबद्ध तरीके से 19 जुलाई की रात को इन्होंने इस घटना को क्रियान्वित करने का समय चुना और खुद 18 तारीख को रिंका चौहान, जो मास्टरमाइंड है, फ्लाइट का टिकट बुक कराकर पुणे चली गई और अपने मित्र जो दिनेश है उसको यह ड्यूटी दे गई कि आप इन दोनों जो आरोपी हैं सलमान और अखिलेश, इसको 19 तारीख यानी घटना की रात को 11 बजे आप गांव इसको पहुंचा दीजिए। और ठीक ऐसा ही दिनेश द्वारा किया गया। जो दोनों हत्यारोपी सलमान और अखिलेश हैं, इनको रात को मृतक के घर पहुंचा दिया थाना मनकापुर क्षेत्र के उस गांव में। और इनके द्वारा जो दोनों आरोपी हैं, पहले गला दबाकर मृतक को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन जब इनको पूरी आश्वासन नहीं हुआ कि उसकी मृत्यु हुई है तो पास में ही पड़े कुल्हाड़ी से इन्होंने उसके गर्दन और पीठ पे कई वार किए और फिर उसको मरा हुआ समझ के वहां से मौके से ये फरार हो गए। इस प्रकार पूरी घटना का अनावरण करते हुए पूरी षड्यंत्र का खुलासा किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जरा सोच कर देखिए कि इसी दादा के साथ इस पोती ने बचपन में न जाने कितनी अनगिनत यादें बनाई होंगी। लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या इतना घोर कलयुग है कि प्रॉपर्टी के लिए एक 78 साल के बुजुर्ग का ये हाल किया जाए। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरीके की प्लानिंग और प्लॉटिंग करके बुजुर्गों की हत्या प्रॉपर्टी के लिए की जाती रहेगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।